बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्लास नर्सरी। बच्चों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी वर्किंग कंप्लीट कर रहे होंगे। आज हमारी 17 वर्किंग की वीडियो है। 17 वर्किंग की वीडियो में सबसे पहला वर्क है हमारे पास इंग्लिश सीरीज स्टेप ज़ीरो। इंग्लिश सीरीज स्टेप ज़ीरो में आज हम वर्किंग करने जा रहे हैं पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 में आज हम लोग वर्किंग करेंगे साउंड ड की। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को पेज नंबर 19 पे ड की साउंड पढ़ाई थी और ड की फॉर्मेशन भी पढ़ाई थी ना, हमने इसमें ट्रेसिंग की थी और इसमें लिखना भी सीखा था फॉर्मेशन राइम के साथ। चले मेरे साथ फॉर्मेशन राइम रिपीट करें। मेक ख गो अप कम डाउन, मेक ख गो अप कम डाउन, मेक ख गो अप कम डाउन। मैंने आप लोगों को आसान अल्फाज में बताया था मेक ख मतलब हाफ सर्किल, गो अप ऊपर जाएंगे, कम डाउन नीचे आएंगे। इसी तरीके से आज हमें पेज नंबर 20 भी कंप्लीट करना है। इसमें हम सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? देखिए मेरे पीछे बोर्ड बना हुआ है ना पेज नंबर 20 का, इसमें हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ पूरा पेज रीड आउट करेंगे, ठीक है? सारे बच्चे अपने घरों में कॉपी ओपन करें और हम इसके साथ साथ रीड करेंगे। चलें रीड करते हैं। ट्रेस एंड राइट द, पढ़ा? ट्रेस एंड राइट द, ट्रेस एंड राइट द। ओके, साउंड पढ़ेंगे ड ड ड। विच साउंड इज दिस ड? विच साउंड इज दिस ड? आप लोग आंसर कर रहे हैं विच साउंड इज दिस ड। आज हम ड की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था ना हमारे इंग्लिश में लाइंस कितनी होती हैं, 4 लाइंस होती हैं। हाउ मेनी लाइंस? 4 लाइंस। लेट्स काउंट विद मी, 1 2 3 4। आज जो हम साउंड पढ़ रहे हैं वो साउंड कितनी लाइंस में आएंगे? ऊपर की 3 लाइंस में। देखें आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ड पढ़ रहे हैं ना। ड कितने लाइंस में बना हुआ है? 1 2 3। ड ऊपर की 3 लाइंस में बना हुआ है। देखें यहाँ पे हमें 2 लाइंस ट्रेसिंग की दी हुई है, बाकी हमें साइड लाइंस पे खुद ड बनाना है, ठीक है? सबसे पहले हम इस पे ट्रेसिंग करेंगे। सारे बच्चे पेंसिल्स होल्ड करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे ट्रेसिंग दी हुई है, बिल्कुल डॉट को डॉट से मिलाएंगे तो हमारी ट्रेसिंग कंप्लीट होगी, ठीक है? देखें मिस जैसे करी ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से आप लोगों को ट्रेसिंग करनी है। डॉट से डॉट मिलाएंगे और मेरे साथ फॉर्मेशन राइम भी रिपीट करेंगे। मेक ख, ऐसे बिल्कुल ख बनाएंगे आराम आराम से। मेक ख, ख बना लिया। गो अप, दोबारा से कम डाउन। ड, दोबारा हम रिपीट करेंगे। मेक ख, बिल्कुल आराम आराम से ड पे ट्रेसिंग करेंगे। मेक ख, ख बना लिया। गो अप, कम डाउन। ड, मेक ख, गो अप, कम डाउन। ड, आप लोग कर रहे हैं ना काम? बिल्कुल मिस की तरह करेंगे, ठीक है? डॉट से डॉट मिलाएंगे। अगर किसी बच्चे ने हिला दिया काम या बिल्कुल गंदा सा करा काम तो वो क्या करेंगे, फौरन से अपने रेजर से रेस करेंगे और दोबारा से ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है? ऐसे प्यारी प्यारी से ट्रेसिंग करेंगे बिल्कुल मिस की तरह आराम आराम से। मेक गो अप कम डाउन। ड,
हमारी एक लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड लाइन पे आते हैं, ठीक है? सब आ गए सेकंड लाइन पे, मिस के साथ साथ सेकंड लाइन पे आएंगे, ऐसे बिल्कुल पढ़ेंगे, डॉट से डॉट मिलाएंगे, मैं ख ख बनाया, गो अप कम डाउन, दोबारा से मेख गो अप कम डाउन, मेख प्यारी प्यारी सी ट्रेसिंग करेंगे सारे बच्चे, गो अप कम डाउन, सारे बच्चे फॉर्मेशन रैम पढ़ रहे मेरे साथ साथ, मेख गो अप कम डाउन, हमारी टू लाइन ट्रेसिंग की कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमें खुद बनाना है, ठीक है? सारे बच्चों को ट्रेसिंग करने के साथ साथ सबको बनाना तो आ गया होगा ना। मिस के साथ साथ ऊपर की थ्री लाइन्स में हम क्या बनाएंगे? डा बनाएंगे, ठीक है? सारे बच्चे सबसे पहले क्या बनाएंगे? ख बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ख। टू लाइन्स में हमने ख बनाया, अब क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे, गो अप कम डाउन, ड, ठीक है? बिल्कुल सारे बच्चे ऐसे ही बनाएंगे, मेख गो अप कम डाउन, ड, बिल्कुल प्यारा प्यारा सा ख बनाएंगे। इस ख तो सबको बनाना आता है ना, मेख बिल्कुल आराम आराम से, ख गो अप, क्या करेंगे अब? नीचे लेकर आएंगे, कम डाउन, मेख गो अप कम डाउन। इसी तरह से सब सारी लाइन्स हम ड बनाएंगे, मेख गो अप कम डाउन, ख गो अप कम डाउन, ठीक है? सारे बच्चे मेरे साथ काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से काम करेंगे, प्यारा प्यारा सा, मेख गो अप कम डाउन, जैसे जैसे मिस कर रही है ना बिल्कुल वैसे वैसे काम करेंगे, ख गो अप कम डाउन। यहाँ पे भी हमें टू लाइन्स दी गई हैं, यहाँ पे भी हम यही लिखेंगे, मेख गो अप कम डाउन, मेख गो अप कम डाउन, मेख गो अप कम डाउन, मेख गो अप कम डाउन। इसी तरह से नीचे की भी लाइन आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हमने क्या सीखा? ड साउंड, ड सीखा, और साउंड ड से शुरू होने वाली तमाम पिक्चर्स के नाम भी आप लोगों को याद हो गए होंगे, ठीक है? अब सारे बच्चे अच्छा अच्छा सा अपनी कॉपी में वर्क करेंगे, चलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट वर्किंग है नंबर सीरीज स्टेप जीरो। नंबर सीरीज स्टेप जीरो में आज हम वर्किंग करने जा रहे हैं पेज नंबर, कौन सा होगा पेज नंबर? पेज नंबर 21 एंड 22। प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस वर्किंग में आप लोगों ने कौन सा पेज नंबर किया था? पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे हमने नंबर 2 पढ़ा था, काउंटिंग सीखी थी। पेज नंबर 20 पे 2 की काउंटिंग सीखी थी, टू नंबर 2 की ट्रेसिंग की थी, और नंबर 2 खुद से लिखना सीखा था। और एंड में हमने जो थिंग्स दी हुई थी इसमें हमने क्या किया था? कलरिंग की थी, ठीक है? आज हम पेज नंबर 21 पे काम करेंगे, ट्रेस एंड राइट नंबर 2, ट्रेस एंड राइट नंबर 2, नंबर 2 की ट्रेसिंग करेंगे और नंबर 2 को खुद राइट करेंगे, खुद लिखेंगे। मेरे पीछे आप लोगों को बोर्ड बना हुआ दिख रहा है ना नंबर 2 का, पेज नंबर 21। चले मेरे साथ
नंबर टू, वन टू, लेट्स काउंट विथ मी, वन टू, हाउ मेनी फिंगर्स, टू फिंगर्स, हाउ मेनी फिंगर्स, टू फिंगर्स। अपने घर में भी आपके पास जो जो चीज़ें होती हैं उनको भी काम कीजिएगा। कैसे काम करेंगे, वन टू, ठीक है। सारे बच्चे पेंसिल से निकालेंगे, सारे बच्चे ने पेंसिल से निकाली, जैसे मिस ने यहाँ पे चौक ली हुई है ना अपने हाथ में, आप लोग पेंसिल से निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, फिर इसको खुद लिखेंगे। चलिए, यहाँ पे हमें ट्रेसिंग दी हुई है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, हम डॉट से डॉट को मिलाएंगे तो हमारी ट्रेसिंग अच्छी होगी, हम डॉट से डॉट को नहीं मिलाएंगे तो हमारी ट्रेसिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है। सारे बच्चे मेरे साथ साथ राइट करेंगे, डॉट से डॉट को मिलाएंगे ऐसे बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन नाम पढ़ेंगे, राउंड, ऐसे राउंड, डैश टू, बिल्कुल आराम आराम से डॉट को डॉट से मिलाएंगे, राउंड डैश टू। जैसे जैसे मिस काम कर रही है ना, बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को अपनी कॉपी में भी काम करना है, राउंड डैश टू, राउंड डैश टू। एक लाइन हमारी कंप्लीट हो गई, अब हम सेकंड लाइन पे आते हैं। सेकंड लाइन भी हमारी ट्रेसिंग की है, ठीक है। सारे बच्चे मेरे साथ साथ ट्रेसिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है। लाइन से बिल्कुल डॉट पे डॉट ऐसे मिलाएंगे, देखिए मिस कर रही है ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से काम करेंगे, राउंड डैश टू, नंबर टू, राउंड डैश टू, राउंड डैश टू, राउंड राउंड डैश टू। अब हमारी ट्रेसिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई, अब हमें यहाँ पे नीचे खुद लिखना है, ठीक है, खुद राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सारे बच्चे मेरे साथ साथ पहले मुझे देखें मैं कैसे लिख रही हूँ, मिस कैसे लिख रही है, फिर आप लोग अपनी कॉपी में राइटिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, सेंटर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, राउंड, बिल्कुल आराम आराम से ऐसे बनाएंगे, राउंड, राउंड बना लिया सारे बच्चों ने। अब क्या बनाएंगे, डैश, राउंड डैश टू बना लिया सबने, अगेन राउंड डैश टू, अगेन राउंड, सारे बच्चों ने राउंड बना लिया, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे, डैश, राउंड डैश टू, राउंड डैश टू, राउंड डैश टू। बिल्कुल सेंटर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर वाली लाइन से टच नहीं करेंगे, ऐसे बिल्कुल प्यारा प्यारा सा टू बनाएंगे, राउंड डैश टू, राउंड डैश टू। जिस जैसे मिस काम कर रही है ना, बिल्कुल ऐसा ही प्यारा प्यारा सा काम आप लोग अपनी कॉपी में भी कर लिएगा। देखिए यहाँ पे हमने टू लिखी था लास्ट लाइन पे, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग टू की फॉर्मेशन राइम के साथ टू राइट कीजिएगा, ठीक है। हमारा पेज नंबर 21 कंप्लीट हो गया। सेकंड पेज बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ आप लोग अपने घर पे बिल्कुल इसी पैटर्न के साथ सेकंड पेज आप लोग अपना कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने पेज नंबर 21 मैंने आप लोगों को बताया ना,
इसी तरह से पेज नंबर 22 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप लोगों को कंप्लीट करना है। सारे बच्चे कॉपी क्लोज कर देंगे। आज हमने क्या सीखा? नंबर टू। आज हमने क्या सीखा? नंबर टू। चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट राइटिंग की तरफ। अब हमारी नेक्स्ट राइटिंग है हैप्पी किड सीरीज उर्दू कायदा इब्तिदाई। हैप्पी किड सीरीज उर्दू कायदा इब्तिदाई में आज हम पढ़ाई करेंगे हर्फ टे की। सारे बच्चे मेरे साथ बुक ओपन करें। हर्फ टे, टे पे उंगली रखेंगे, टे 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 टोपी, टे टोपी, टे टोपी, टे टमाटर, टे टमाटर, टे टमाटर, टे टोकरी, टे टोकरी, टे टहनी, टे टहनी, टोपी टोपी टोपी, टमाटर टमाटर टमाटर, टोकरी टोकरी टोकरी, टहनी टहनी टहनी। ये क्या है? टे। ये क्या है? टे। ये क्या है? टोपी। ये क्या है? टमाटर। ये क्या है? टमाटर। ये क्या है? टोकरी। ये क्या है? टोकरी। ये क्या है? टहनी। ये क्या है? टहनी। आज हमने हर्फ टे पढ़ना सीखा। आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।